हिमाचल के उपमंडल ज्वाली के अधीन ग्राम पंचायत राजोल के अनुही गांव में कोरोना पॉजिटिव का मामला उजागर हुआ है। प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत प्रधान, सचिव व संबंधित वार्ड सदस्य के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से अपने राज्य में आता है तो उसकी सूचना प्रशासन को देना अनिवार्य है, लेकिन यहां इन द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसके चलते प्रशासन ने इन पर केस दर्ज कर दिया। एसडीएम ज्वाली सलीम आजम ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति 10 अप्रैल को अपने घर अनुही में पहुंचा था। जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बावजूद जिसके प्रधान सचिव व संबंधित वार्ड सदस्य ने भी उसके आने की जानकारी प्रशासन को नहीं दी। एसडीएम ज्वाली सलीम आजम ने बताया कि समस्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश कांगड़ा के निर्देशानुसार पंचायत अनुही व पंचायत आंबल को 30 अप्रैल तक सील किया गया है। उन्होंने कहा कि आवागमन के हर रास्ते पर पुलिस को सख्त पहरा है और पुलिस गश्त भी कर रही है। जरूरी सामान होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों के घरों में पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा राहत भरी खबर है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ 5 दिनों तक रहने वाले उसके माता पिता व बुआ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। लॉस की है प्रधान सेक्रेटरी और वार्ड मेंबर के अगेंस्ट, क्योंकि हमें ये मालूम हुआ कि इन लोगों ने जानबूझ कर हमें बतलाया, एडमिनिस्ट्रेशन को बतलाया नहीं कि ये बंदा जो है वो जलंधर से आया है, और इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए थी ताकि हम इसको हाउस क्वारंटाइन कर सकते थे। लेकिन जब हमें ये पता लगा कि पॉजिटिव हुआ है, इसमें कोरोना पॉजिटिव आया है, तो तब कार्रवाई ये की गई कि इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। तो क्योंकि 6/4/2020 का एक नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जिसमें प्रधान सेक्रेटरी एंड वार्ड मेंबर कंसर्न जो हैं उनको ये दायित्व दिया गया कि अगर कोई बंदा किसी भी दूसरी स्टेट से आता है उसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली जो है वो विभाग को दी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए, ताकि हम उसको जो है उसके ऊपर नज़र रखें, विजिल बना रखें, और ये जो है वो होम क्वारंटाइन किया जा सके और पोस्टर लगाया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसलिए इनके ऊपर जो है वो केस किया गया। मेरी बाकी के भी प्रधान से भी और सेक्रेटरी से और वार्ड मेंबर से भी ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एक प्रकार से अपील है, और वीडियो से भी एक डायरेक्शन है कि अपने सभी प्रधान्स को, सेक्रेटरीज को और वार्ड मेंबर्स को ये इतला कर दें कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि COVID-19 जो संक्रमण है ये शीघ्र अतिशीघ्र फैल रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो इससे संक्रमित हो गए, दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट्स में आ रहे हैं, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक हॉटस्पॉट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव केसेस मिले हैं, और खासकर ज्वाली जो है इसमें एक पॉजिटिव केस आया है। तो उनके ये फ़र्ज़ है कि जैसे कोई बाहर का बंदा आता है, इमीडिएटली हमें, मेरे ऑफिस में कंट्रोल रूम बना है, उसमें मेरे फ़ोन पे वो इंटीमेट कर दें और हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दें, ये उनकी ड्यूटी बनेगी। अगर कोई कोताही करता है और जानबूझ के इससे बताता नहीं है या फिर वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उसके विरुद्ध वैसी कार्रवाई की जाएगी जैसे कि हमने अनुई के प्रधान और सेक्रेटरी के अगेंस्ट की है। सर, इसमें कोई आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को भी इसमें इन्वॉल्व है? जी, आशा वर्कर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है वो एक प्रकार से लिंक है, जो कि वहाँ पे उनको जो है क्वारंटाइन किया है, अगर पोस्ट क्वारंटाइन तो उसके ऊपर विजिल रखती है। वैसे तो सेक्रेटरी को सर्विलेंस ऑफिसर बनाया हुआ है कि वो लोगों को देखे कि वो बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, और सिमिलरली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आशा वर्कर है, और CDPO मतलब ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कई जगह उनको भी सर्विलेंस के लिए लगाया हुआ है। सर जी, अनुई केस में भी जो थोड़ी लापरवाही हुई है उसके बारे में? सर, अनुई केस में जो ICDS की तरफ से जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसके अगेंस्ट भी FIR हुई है, जो तो पुलिस ने खुद ही कर दी है, और जो मैंने अभी BMO साहब से बात की है कि आप भी एक्शन लें, अगर आशा वर्कर ने भी आपको इंटीमेट नहीं किया है और इंटीमेट करने के बावजूद भी आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, तो इसके बारे में जो है वो जानकारी जुटाई जाएगी और एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंगली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.